इसे प्राप्त करने के लिए कितने देशवासियों ने तन मन धन और जान गंवाया, तब जाके आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। नमस्कार, यही इंग्लिश अकादमी की ओर से आप सभी को 76वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दोस्तों। आजादी के लड़ाई के किस्से और कहानियां कई दशकों से सुनते आ रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक, देश के हर वीर की कहानी हम सभी को पता है। परंतु हमारे उत्तर पूर्व बाकी राज्यों के क्रांतिकारियों के किस्से हम क्यों नहीं जानते? क्यों हम यहाँ के होकर भी इन वीरों को नहीं जान पाए? जैसे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होता गया, तब इतिहास के इतने सारे पन्ने खुले कि उन पन्नों से कई ऐसे नाम सामने आए जो कहीं शायद इतिहास के पन्नों में दब जाते, खो जाते। और क्योंकि उन दिनों इतिहासकारों ने यहाँ घटी उन घटनाओं को अपने कामों में रूप नहीं दिया, इसलिए आज तक कई घटनाएं हमारे लिए सवाल है, एक अनसुलझी पहेली की तरह। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ ऐसे क्रांतिकारियों को याद करेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी। हम बात करेंगे मोजेरीबा और मोजीरीबा की, और उनके साथ हम आजादी के इस जंग में शामिल कई और बलिदानकारियों की भी बात करेंगे। आज का यह दिवस मोजे, मोजीरीबा और उनके साथियों के नाम। दोस्तों, हमारा देश आजाद होने से पहले, यह हमारा आज का अरुणाचल प्रदेश, तब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता था। फिर इसे 1951 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाने लगा। देश आजाद होने से पहले हमारे उत्तर पूर्व राज्य लेपाराडा जिले के दारी गांव के लोग बड़े ही खुशहाल भरी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन दिनों हमारे देश में अंग्रेजों का साम्राज्य था। आज हम लेपाराडा के दो उन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए यह छोटी सी एकांकी रूपी झांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहते हैं जब आजाद हिंद फौज बर्मा से भारत की ओर आ रही थी तो अन एडमिनिस्ट्रेट एरिया से कई नौजवानों को माल और हथियार ढोने के लिए जबरदस्ती भर्ती किया गया और लड़ाई में कई जवानों ने जान गंवा दी। इस घटना ने मोजे और मोजीरीबा को भावुक कर दिया और उनमें आजादी का आग और ज्यादा भड़कने लगी। इस बीच 1942 में ब्रिटिश पहली बार आगे पहुंचे, वहां उन्होंने लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया, लेकिन वहां भी कुछ जागरूक लोग थे और इसलिए सभा के बाद अंग्रेज मोजे और मोजीरीबा से मिलना चाहते थे, परंतु वे अंग्रेजों के इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को समझ गए और उन्होंने ठान ली कि ये
इसका पर्दाफाश करेंगे और अपने लोगों को आजाद करवा के छोड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने नेतृत्व के लिए असम के कांग्रेस के नेताओं का साथ चुना और वे ललित हाजिरिका जैसे कांग्रेस नेता से मिले जो डिब्रूगढ़ कमेटी के सेक्रेटरी थे और अपने क्षेत्र में लोगों के राय और उनके हालात जानने के लिए उन्होंने बोहम्बो का सेवा यानी कॉन्फ्रेंस जैसी बड़ी आयोजन को अंजाम दिया। मुझे और मोजी रिबा को उनके क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल जाना पड़ा। देश आजाद होने के बाद पीटर जेम्स जब असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर से पॉलिटिकल ऑफिसर बन गए तब उन्होंने फौरन मोजे और मोजी रिबा को रिहा करने का हुक्म दिया। पहली बार के दीपा गांव में एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में प्रेसिडेंट के रिमो रिबा वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साथ ही उन वीर क्रांतिकारियों का नाम लिए बिना आजादी के सपने पूर्ण नहीं होगा। अरुणाचल के इन दो रिबा को तब के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के खिताब के साथ ताम्र पत्र दिया गया। मोजे रिबा को भी उसी वर्ष ताम्र पत्र दिया गया पर उन्होंने इसे 1974 में तब के अरुणाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर के राजा के हाथों इस पुरस्कार को ग्रहण किया। सन 1974 में अरुणाचल के सर जमी पर पहली बार मोजी रिबा को भारत का तिरंगा दीपा गांव में फहराने का अपने जीवन के हर लड़ाई को लड़के उन पर विजय पाने के बाद मोजी रिबा ने 11 के इन दो सपूतों ने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। इनके योगदान के लिए अरुणाचल प्रदेश के वासी सदा ऋणी रहेंगे। जय हिंद, जय अरुणाचल।